हाथी दिख गया हमारी द्वार उतर, के पास उतर, में। तो रुक जा, उतर मत। हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं कोनी पाठक कैमरे के पीछे। लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा हम आ रहे हैं देहरादून, वैनिटी में हम जा रहे हैं देहरादून और रास्ते में हमें मिल गया हाथी। क्या होता है आगे देखिए। इसको पीछे हटा कर यार गाड़ी। अरे यार चले जाएगा रूम में। शांत है वो होने को तो अभी, लेकिन सही बात है, उन्हें दिक्कत होती है तभी कर। चला गया क्या ये? देखा ये जबरदस्ती जा रहा है, जबरदस्ती जा रहा है। ये क्यों कर रहा होगा ऐसा? तभी दिक्कत होती है, घबरा जाते हैं। इसको फोड़ भी देगा उड़ा भी देगा। ये अभी भी क्यों चल रहा होगा? उसको जाने देता ना, पता नहीं क्यों इतना छेड़ते हैं लोग। अरे आप कहाँ जा रहे हो? वो कहाँ गए? उतर के बाहर क्यों गया? वो बाकी गाड़ी वालों को रोक रहे हैं, छेड़ना सही नहीं है ना। उसको तो बिल्कुल डर ही नहीं है। वो डर क्या नहीं है, ऐसे जबरदस्ती क्यों छेड़ना होगा। फाइनली हाथी चला गया। दोस्तों टाइम हो रहा है 12:45 के आसपास रात का, और हमारे जो ये चालक साहब है सुबह 6 बजे से चले हुए, ऑब्वियसली 6 बजे से हम लोग एक्टिव हो गए थे तो तब से चल रहे हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि मेरे से नहीं चला जा रहा भैया, तो लेट मी मेरे से नहीं, 12 घंटे तुम सो के आओ। 12 घंटे अभी 16 घंटे हो चुके हैं, 16 घंटे से मैंने खाली पानी पी रखा है, खाना नहीं आया। सच बताओ भैया, सारी वीडियोस बनी है, देख चुके हैं लोग। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा ब्रश करने वाले हैं। चद्दर उड़ा दो। ओ कुत्ते का भी है चद्दर। तो हम लोग यहाँ पे सोएंगे और सुबह उठ के, नाम क्या है? ये है हाईवे हरिद्वार से थोड़ा आगे, तो अभी सोएंगे और सुबह मिलते हैं, तो पता चलेगा हम घर पहुँचे सुरक्षित पहुँचे कैसे पहुँचे, है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कल सुबह मिलेंगे। मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है दोस्तों। कोने पाठक शो। ये मेरा आज तक का सबसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग है कि हम लोग वैनिटी में सफर कर रहे हैं, हमको हाथी भी दिख गया, हमको गन्ने भी दिख गए, हमको पता नहीं हाथी ने हमें दिखा नहीं, हाथी ने हमें ऊपर पहुंचा दिया था, हम बच गए। हो गया सो जाओ। चलो दोस्तों गुड नाइट, कल मिलते हैं। हाथी के बाद हमें कहा दिख गया कुत्ता, वो दिन भर नहीं भौंका, रात को दिन भर के लिए भौंका था, आगे भौंक रहा था वो, अब आगे उसमें गाड़ी चलते हुए मैं परेशान हो, बंद था ना तब भौंक रहा था। तो ये रहा, यहाँ पे एक इंसान सोया है, ये मैं रही बगल में आंटी, और पीछे सो रहे हैं चंदू भैया। सबसे पहले थाना दिख रहा है हमको, हमारा एक सिपाही यहाँ पे लैंड हुआ है, एक सिपाही यहाँ पे लैंड हुआ है। टप्पू टप्पू वाली गुड मॉर्निंग, रात में डब्बू कभी मेरे सराने आके मेरा मुंह चाटे, कभी आंटी का मुंह चाटे, है डब्बू डब्बूली, इसको पता ही नहीं हम कहाँ है। हमारा सारथी उठ गया, चंदू भैया चंदू भैया गुड मॉर्निंग। चंदू भैया आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, पुलिस वालों को जरूर बताऊंगा मैं, अरे बहुत कुछ करना है, इन्होंने जो 2 बजे परेशान किया। ओके पंगा ले रखा है इन्होंने। अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा ना तो आपको पता होगा कि हम वैनिटी से निकले थे देहरादून की तरफ, और रात को हम रुक गए हरिद्वार में थाने के आगे, हमने गाड़ी लगाई और आंख बंद करके सो गए। उसके बाद क्या हुआ आपको नहीं पता? उसके बाद 2 बजे ना पुलिस वालों ने हमको हमारे दरवाजा ना मतलब पूरी गाड़ी ठोकी और खट 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 खट, पता है किस लिए? किस लिए चंदू भैया? कि हमें रोड नहीं दिखाई दे रही, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, मतलब हम सब सो गए। उत्तर प्रदेश के नाम है हम, बागेश्वर के उत्तराखंड के। फिर गाड़ी चंदवाने साइड में लगाई, फिर हम सोए और अभी हम उठ रहे हैं और 8 बज रहे हैं। अच्छा हो गया हम अपने हथियार ना लाए, फायर करते बाहर पर। अरे और अगर ये सोते नहीं तो फिर हमको ही फायर कर देते, तो इनको इनको आप चंदू समझ के फ्लावर मत समझना, ये फायर है। है ना? डायलॉग क्या है यार, समझ में नहीं आया। अरे एक मूवी आई पुष्पा, उसका डायलॉग है वो। अब वो उसके लिए वीडियो ऑन है क्या? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वो। हाँ वीडियो हमेशा ऑन रहेगा। पुष्पा छोड़े रे धनपुर रहनी रे। ये है हमारी डबुली डबुली, ये देखो सबसे मजे तो इसी के है। अरे मुंह कभी यहाँ पे मुंह चाट रही है, कभी कहीं कभी कहीं, सच में मजे हैं इसके। कुत्ता भी ऐसा है हमारा।
कुत्ता है होने को साथ में, ठीक है, कुत्ते क्यों पालते हैं लोग, सिक्योरिटी रीजन से है ना, कुत्ता शायद सिक्योरिटी। बाहर से उन्होंने ठोका ना, छिप गया वो, नीचे घुस गया ये डर के मारे, है ना छोटू, है ना छोटू बेटू, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा गाड़ी मोड़ के यहाँ पे चले भाई, फिर से जर्नी शुरू करते हैं, आपके ज्यादा लंबी नहीं है, एक दो घंटे में पहुंच ही जाएंगे। और अब तैयारी है इस खूबसूरत से सफर को खत्म करने की, हम पहुंच गए, बाय बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय डुंगू, बाय बाय तो करो अच्छे से, आपने मुझे पचा दिया, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय बाय। तो जी घूम फिर के फिर वहीं पहुंच गए हम घंटा घर के सामने, अपने इलाके में, अपना इलाका, ओला कर रखी है, थोड़ा सा यहाँ से जाना होता अंदर, तो वो आती है और चलते हैं। फिर से सुबह सुबह इस एरिया में हम आ गए, तो वेलकम बैक टू माय बेटर लाइफ अगेन, हम अकेले, आप अकेले, दुनिया में आए अकेले, दुनिया से जाएंगे अकेले, व्लॉग बनाएंगे अकेले, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, पर मैं कल आ गई थी घर पे, कल का दिन रेस्ट में बीता, थोड़ी सफाई सफाई करी, थोड़ा एक महीने से बनता घर, और अब मैं क्या कर रही हूँ आपको बताती हूँ। अब एक अच्छी खुशहाल अकेले जिंदगी जीनी है, अकेले नहीं, मैं और भी लोग भी हैं नीचे, मैं आपको बुलाऊंगी उनसे, बट मैं तो चाहती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग करूँ, बट इतना कुछ खास होता नहीं है, होगा तो मतलब आप भी साथ मत छोड़ना, मैं अब सोच रही हूँ कि मैं एकदम ना छोड़ूँ, जैसे लास्ट टाइम एकदम छोड़ दिया था ना, एकदम ना छोड़ूँ, हफ्ते में एक या दो ब्लॉग तो कर ही लूँ, उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। मैं यहाँ हूँ, तो फिलहाल बन रही है चाय, सुबह है और दिन की शुरुआत करते हैं, अब बहुत सारी प्लानिंग्स है और उन पे काम करना है, और मैं YouTube नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़े रहना, है ना, तो वो जुड़े रहेंगे हम, फिलहाल चाय में पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ओके जी।